दोस्तों एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था। गाड़ी में उसने चाय बेची और अपनी झोपड़ी में चला गया। उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि एक केटली और चाय बना दो दूसरी गाड़ी आने से पहले। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों दोनों बहुत बुजुर्ग थे तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि काश हमारी औलाद होती तो हमें बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। हमारी औलाद ना होने के कारण हमें बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। उसकी बुजुर्ग पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने चाय की केतली भरी और अपने पति को दे दिया। वो बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर जब वो दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था तो उसने प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक एक ही बेंच पर बैठा हुआ देखा। दोस्तों वो बुजुर्ग दंपत्ति किसी भी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे थे। तब वो चाय वाले दादा उनके पास गए और उनसे कहा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है, मैं आपको बता दूंगा कि वो गाड़ी कब आएगी और कहाँ पर आएगी। तब उस बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमारे छोटे लड़के ने हमें एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा लड़का स्टेशन हमें लेने आएगा। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने चाय वाले दादा से कहा कि हमारे छोटे बेटे ने इस पर पता लिख दिया है, अगर बड़े भैया ना आ सकें तो आप किसी से पता पूछकर उनके घर पहुँच जाना, लेकिन हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। अगर आपसे पढ़ना आता हो तो हमें इस चिट्ठी में जो पता लिखा है वो हमें बता दीजिए, हम अपने बड़े बेटे के यहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों चाय वाले दादा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। प्लेटफॉर्म पर घूम रहे तो चार पांच लोगों ने दादा को उठाया और उस पर पानी वानी छिड़का, तब कहीं जाके दादा को होश आया। दोस्तों उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि ये हमारे माता पिता हैं, जो कोई इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको किसी पास वाले वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाए। चाय वाला बेंच में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मैं तो बेऔलाद हूँ इसलिए मुझे बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है, अगर औलाद होती तो मुझे काम ना करना पड़ता। लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति के तो दो बेटे थे और दोनों बेटे इसको रखने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये घटना संत जी ने एक भागवत में सुनाई थी और संत जी कहते हैं कि सुख और दुख औलाद से नहीं मिलता है, सुख और दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद दुख देती है और ना कोई औलाद सुख देती है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अकेले बैठे भी रहोगे तो खुश रहोगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप राजगद्दी में बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो हमारी गलत फहमी है। दोस्तों आपको एक छोटा सा प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।